और खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर आ रही है, ओवैसी ने हिंदुओं को लेकर फिर से दिया है भड़काऊ बयान। भारत के मुसलमानों का मुगलों से रिश्ता नहीं, मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ओवैसी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हो गए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार भड़काने का काम करते, एक बार फिर से उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है और उनके बयान से मुस्लिम धर्मगुरु भी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से रिश्ता नहीं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। भड़काऊ भाईजान ने अपनों को ही लूटा, मुगलों से यारी ओवैसी को पड़ी भारी। सुन लो भाईजान, सीखो नारी का सम्मान। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी। असदुद्दीन ओवैसी जब भी बोलते हैं सिर्फ नफरत का जहर ही उगलते हैं। उनकी दुकान में भड़काऊ सामान ही बिकता है, ज्ञान वापी का मुद्दा हो या फिर हिंदुत्व के इतिहास की बात। भड़काऊ भाईजान की राजनीति ही हिंदू मुसलमान पर आकर टिक जाती है। भड़काऊ भाईजान हिंदुओं के पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगलों की बीवियां कौन थी। ओवैसी अकबर की बीवी जोधाबाई और उन्हीं जैसी हिंदू महिलाओं की तरफ इशारा करते हुए एक बार फिर हिंदुओं के आत्मसम्मान पर बड़ा ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी। ओवैसी मुसलमानों के वोट के लिए चुनाव में ऐसी बयानबाजियों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश तक उनके भड़काऊ बयान मुसलमानों पर कोई असर नहीं कर पाए। अब उनके नए विवाद से दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियाना भड़क गए। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद विवाद को दो कम्युनिटी का विवाद बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसी बयानबाजी दो धर्मों को बांटने और सियासी फायदे के लिए की जा रही है। तो मंदिर और मस्जिद के विवाद को कहीं ना कहीं दो कम्युनिटीज के विवाद में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और उसी को अपना पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल इश्यू बनाने की कोशिश की जा रही है। सनातन संस्कृति का अनादर हैदराबादी भाईजान की फितरत है। वो शिवलिंग को फुव्वारा कहते हैं, मुसलमानों को दंगे के लिए भड़काते हैं, हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की मंशा पाले बैठे हैं और जिन्ना की तरह हिंदू मुसलमान में बंटवारे की राजनीति करते हैं। लेकिन अगर कोई देश की एकता की बात करे, हिंदुस्तान के डीएनए की बात करे तो भड़क जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।